हाय गाइस, तो आज आप लोगों के साथ अ शोल्डर टू क्राई ऑन कोरियन बीएल सीरीज का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में इसके लिए सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट थी। ये स्टोरी दो स्टूडेंट्स की है। हमारा पहला मेन कैरेक्टर जिसका नाम ते ह्यू है, वो स्कूल के मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट्स में से एक है। वहीं हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर ली दायोल है, जिसे आर्चरी करना बहुत पसंद है। वो अक्सर आर्चरी क्लब में ही रहता है और अपनी आर्चरी स्किल्स की वजह से ही उसे स्कॉलरशिप मिली और उसने स्कूल में एडमिशन लिया। अब इन दोनों की लव स्टोरी किस तरह आगे बढ़ती है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आज इसके फर्स्ट एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ली दायोल से ही होती है, जो अपनी आर्चरी प्रैक्टिस कर रहा था। वो खुद से कह रहा था, मेरी लाइफ में हमेशा से टारगेट सेट था, पर जब से मैं तुमसे मिला मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि मुझे एक फ्रेश स्टार्ट करने का मौका ही नहीं मिला। प्रैक्टिस के बाद दायोल जब अपने घर जाता है तो उसके फादर ने उसके लिए काफ़ी सारा ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा हुआ था। दायोल उनसे पूछता है, आपने ब्रेकफास्ट में इतना कुछ क्यों बनाया है? दायोल के फादर कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत बड़ा मैच आने वाला है और तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है। अगर तुमने इस कॉम्पिटिशन को जीत लिया तो तुम नेशनल टीम में सेलेक्ट हो जाओगे। दायोल कहता है, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ये बस एक नॉर्मल फ्रेंडली मैच है, इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। दायोंग हमेशा अपने साथ एक कीरिंग रखता था, जिसमें वो अपने एरोस के स्पिन फैदर्स को कलेक्ट करता था। वो उस कीरिंग को लेकर वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाता है। जब वो आर्चरी क्लब पहुँचता है तो वहाँ ऑलरेडी एक लड़का जिसका नाम मिन जुंग था, वो आर्चरी प्रैक्टिस कर रहा था। दायोल उससे कहता है, मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पहले पहुँचूंगा, लगता है तुम काफ़ी जल्दी आ गए, तुम यहाँ कब आए थे? मिन जुंग कहता है, ज़्यादा लंबे समय पहले नहीं। दायोल जब प्रैक्टिस कर रहा होता है उसे अचानक अपने हाथ में पेन फील होता है। मिन जुंग उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? प्रैक्टिस से पहले तुम्हें हमेशा वार्म अप कर लेना चाहिए। अब तुम जाकर स्कूल नर्स को चेक करवाओ, इससे पहले कि तुम्हारे हाथ की कंडीशन बुरी हो जाए। दायोल कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं होगी, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो मिन जुंग कहता है, तुम जाकर खुद को चेक करवाओ, कोच को मैं बता दूंगा। दायोल स्कूल नर्स के पास चेकअप के लिए आ जाता है। वो अपने स्पिन फैदर्स को देख ही रहा था कि तभी अचानक वो अपने पास वाले बेड से कुछ आवाज़ें सुनता है। बेड पर पर्दा लगा हुआ था तो वो नहीं देख पा रहा था, पर उसे दो लड़कों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो आपस में रोमांटिक हो रहे थे। दायोल सोचने लगता है, क्या मैंने सही सुना, वो दोनों लड़के ही हैं? दायोल पर्दा हटाता है तो उसे वहाँ एक हैंडसम सा लड़का दिखाई देता है, जो हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर ते ह्यू ही है। दायोल को पहली नज़र में वो काफ़ी हैंडसम लगता है। ते ह्यू उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसकी तरफ आंख मार देता है। तभी दायोल के हाथ से उसका स्पिन फैदर बेड की दूसरी साइड गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए वो उठता है। अचानक उसका पैर फिसलता है और वो ते ह्यू पर आकर गिर जाता है। ते ह्यू के साथ जो दूसरा लड़का था वो बेड से नीचे गिर जाता है। दायोल कहता है, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं यहाँ अपनी एक कीमती चीज़ ढूंढ रहा था। वो अपने स्पिन फैदर को ते ह्यून के आसपास ढूंढने लगता है, जिससे ते ह्यून की बॉडी भी बार बार टच हो रही थी। ते ह्यून उससे कहता है, ये तुम मुझे कहाँ टच कर रहे हो? दायोल कहता है, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस अपने स्पिन फैदर को ढूंढ रहा हूँ। वो फिर से ते ह्यून के ऊपर गिर जाता है और इस बार उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट भी आ जाता है। तभी वहाँ नर्स पहुँच जाती है और उन दोनों के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर कहती है, ये सब कुछ क्या चल रहा है? नर्स को देखते ही ते ह्यून नाटक करना शुरू कर देता है और नर्स से कहता है, प्लीज़ मेरी मदद करिए, मैंने इस लड़के से कहा था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी इसने अचानक मुझ पर अटैक कर दिया। दायोल कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, नर्स को सच सच बताओ। तभी नर्स कहती है, बहुत हुआ, तुम दोनों मेरे साथ ऑफिस चलो। दायोल के जाने के बाद ते ह्यून देखता है कि उसका वो स्पिन फैदर उसी के पास था। नर्स उन्हें मिस्टर केवॉन के पास लेकर आती है, जो दायोल से कहते हैं, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, सेमेस्टर का पहला दिन ही चल रहा है और तुमने ऐसी हरकत की। दायोल कहता है, ये सब कुछ एक गलत फहमी है, मेरी एक कीमती चीज़ खो गई थी, मैं बस उसे ढूंढ रहा था। केवॉन कहता है, हमारे पास विटनेस भी है, फिर भी तुम कह रहे हो कि ये सब कुछ एक गलत फहमी है। तुम मॉर्निंग क्लासेस भी स्किप कर रहे थे, पर मुझे पता चला था कि तुम आर्चरी के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब तुमने हद पार कर दी। मिस्टर केवॉन ते ह्यून के फ्रेंड, जिसका नाम वॉन क्यूंग था, उससे पूछते हैं, तुम वहाँ मौजूद थे, तो बताओ तुमने क्या क्या देखा? वॉन क्यूंग कहता है, ते ह्यून के पेट में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए मैं इसे चेक कराने के लिए नर्स के पास ले गया था, पर इस लड़के ने हमें देखा और ते ह्यून के साथ बदतमीजी करने लगा। इस बात पर दायोल को बहुत गुस्सा आती है और वो वॉन क्यूंग से कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, सच क्यों नहीं बता देते कि वो तुम दोनों थे जिनके बीच में कुछ चल रहा था? वॉन क्यूंग फिर झूठ बोलते हुए कहता है, क्योंकि एक एथलेटिक क्लब का मेंबर है, मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर आप मेरी नेक पर देखिए, इसने क्या किया, इसने मुझे यहाँ बाइट कर लिया।
मैंने बहुत कोशिश की पर मैं इसे नहीं रोक पाया। दायोल कहता है, क्या बोले जा रहे हो, मैंने ये सब कुछ कब किया था। केवॉन कहता है, बहुत हुआ दायोल, तुम हर चीज से इनकार किए जा रहे हो जबकि तुम्हारे खिलाफ विटनेस है। तभी वहाँ दायोल के आर्चरी क्लब की कोच आती है और वो केवॉन से आकर कहती है, मिस्टर केवॉन, दायोल की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं इससे अकेले में कुछ बात करना चाहूँगी। ऐसा कहकर वो दायोल को अपने साथ लेकर चली जाती है। कोच दायोल को डांटते हुए कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, तुम्हारे पास इतना फ्री समय है जो तुम ये सब करने के बारे में सोचने लगे। दायोल कहता है, कोच मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो कोच कहती है, मुझे नहीं जानना कि सच क्या था और क्या नहीं, फिलहाल उस लड़के से जाकर माफ़ी मांगो, जो भी प्रॉब्लम है उसे क्लियर करो और अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें तुम्हारी गलती थी या नहीं, बस तुम्हारा नाम इससे क्लियर हो जाना चाहिए। ये सब कुछ तेह्यून देख रहा था। तेह्यून वहाँ आकर कोच से कहता है, मेरा नाम चो तेह्यून है। कोच उससे कहती है, तो तुम ही वो लड़के हो, तुम ठीक तो हो ना। तेह्यून कहता है, शुरुआत में मैं थोड़ा सा डर गया था, पर यह समय मेरे और दायोल के लिए एक नई शुरुआत का समय है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट समय भी है, इसलिए मैं सब कुछ भुलाकर दायोल के साथ दोस्ती करना चाहूँगा। कोच कहती है, थैंक यू सो मच जो तुम सब कुछ भुलाकर दायोल को माफ़ करने के लिए तैयार हो, वरना अगर उसे पनिश किया जाता तो उसके लिए बहुत बुरा होता। तेह्यून कहता है, अगर दायोल को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहूँगा और अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना चाहूँगा। ऐसा कहकर वो दायोल की तरफ हाथ बढ़ाता है। दायोल मन में सोच रहा था, इस वक्त मैं इस लड़के के फेस पर थूकना चाहता था पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि मुझे केवल अपने आर्चरी पर फोकस करना था। वो कोच के सामने तेह्यून के साथ हैंडशेक कर लेता है। कोच के जाने के बाद वो तेह्यून के पीछे पीछे आता है। वो उससे कहता है, जो भी कुछ हुआ वो बहुत अनफेयर था, अभी के अभी कोच के पास जाओ और उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। तेह्यून कहता है, क्या सच बताऊं, यही कि तुम मुझे धमकाने आए हो और तुम्हें कोई अफसोस नहीं है जिस तरह तुमने मुझ पर अटैक किया था उस बात को लेकर। उन्हें जाकर कहूं कि मुझे तुमसे डर लग रहा है और वो तुम्हें पनिशमेंट दें। दायोल कहता है, तुम्हें भी पता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, तुम खुद को समझते क्या हो। तेह्यून कहता है, मैं बस चाहता हूं कि तुम क्लब ज्वाइन कर लो। इस बात पर दायोल कहता है, मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ला कर रहूंगा। तेह्यून उसे कहता है, वैसे तुम बहुत क्यूट हो। तो दायोल कहता है, तुम्हें ये सब कुछ फनी लग रहा है। तेह्यून कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात पर कोई विश्वास करेगा जब वहाँ विटनेस भी मौजूद था, और वैसे भी तुमने कहा था ना कि तुम्हारी कोई बहुत ही ज़रूरी चीज़ खो गई है। ये सुनकर दायोल तुरंत फिर से उसी हॉस्पिटल रूम में आ जाता है। वो वहाँ बेड पर फिर से चेक करने लगता है और नर्स से भी पूछता है, तो नर्स कहती है, मैंने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं देखा और तुम क्लीन बेड्स को बिगाड़ क्यों रहे हो। दायोल कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बेड्स खराब कर दिए। तो नर्स कहती है, क्या तुम इसी बात के लिए माफ़ी मांगोगे, अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने यहाँ किया था उसके लिए तुम बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हो। दायोल फिर से उनसे माफ़ी मांगता है। वो नर्स कहती है, मुझे तुम्हारी कोई चीज़ मिल जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। दायोल आर्चरी क्लब थोड़ा लेट पहुंच पाता है। वो कोच से माफ़ी मांगता है तो कोच उससे कहती है, जल्दी से प्रैक्टिस पर लग जाओ, तुम ऑलरेडी एक सीनियर हो, अब तुम्हें अपने आने वाले जूनियर्स पर ध्यान देना चाहिए, पर हमें तुम पर ध्यान देना पड़ता है। दायोल कहता है, सॉरी कोच, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। कोच कहती है, तुम मिनियंग जैसा क्यों नहीं बन सकते, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। रात के समय दायोल जब अपने घर पहुंचता है तो उसके फादर ऑलरेडी सो चुके थे। वो अपने फादर की एक बात याद करने लगता है जो बचपन में उन्होंने उससे कही थी। बचपन से ही दायोल को आर्चरी का शौक था, तो उसके फादर ने स्पिन फैदर दिखाते हुए कहा था, तुम्हें पता है ये क्या है, केवल एथलीट्स इस स्पिन फैदर को यूज़ करते हैं, मैं तुम्हें ये गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ, हमेशा इसे संभाल कर रखना। अगले दिन टीचर क्लास में अनाउंस करता है कि उन सभी के ग्रुप असाइनमेंट्स होने वाले हैं। दायोल अगेन क्लास में लेट पहुँचता है तो टीचर कहते हैं, अब जब पूरी क्लास ख़त्म होने को आ गई है तब जाकर तुम क्लास में आए हो। दायोल सॉरी कहता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसी क्लास में तेह्यून भी था जो उसकी तरफ हाथ हिला रहा था। दायोल उसे देखकर सोचने लगता है, मुझे इसके साथ क्लास शेयर करनी पड़ेगी और ये क्लास प्रेसिडेंट भी है। क्लास के बाद दायोल तेह्यून के फ्रेंड वोंग्यूंग को बाहर देख लेता है। वोंग्यूंग उससे कहता है, क्या हुआ तुम्हें, मुझसे कोई प्रॉब्लम है। दायोल उसे बस गुस्से में देखता रहता है तो वोंग्यूंग कहता है, कोई प्रॉब्लम है तो तुम कुछ कह क्यों नहीं देते। तेह्यून ये देख लेता है और तुरंत वहां आकर कहता है, लड़ना बंद भी करो, दायोल का फेस ही ऐसा है, वो तुमसे कुछ कह नहीं रहा था। दायोल वहां से गुस्से में चला जाता है। वोंग्यूंग कहता है, ये तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे तुमसे बात करनी है। उस दिन के बाद से तेह्यून और उसके फ्रेंड्स ने दायोल को तंग करना शुरू कर दिया था। कभी वो उसके जूस में कुछ मिला देते थे और उसके रिएक्शन पर हंसने लगते थे, तो कभी वो उसके एरोज पर स्माइलीज वाले स्टिकर लगा देते थे।
दायुल ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया था। स्कूल खत्म होने के बाद भी कभी कभी वो उसे ऐसे ही तंग करने के लिए पहुंच जाते थे। दायुल अपनी प्रैक्टिस करते हुए सोचता है, मुझे उन लोगों की वजह से अपना ध्यान नहीं भटकाना है, मुझे बस अपनी आर्चरी पर फोकस करना है। कितने टाइम से मैं अपने शॉट्स को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर मैंने इन्हें मिस कर दिया तो मेरा करियर तो खत्म ही हो जाएगा। अब क्लास में प्रोजेक्ट को लेकर ग्रुप्स बन रहे थे। दायुल तेह्यू के ग्रुप में था। उनके ग्रुप में किम सोयंग नाम की एक लड़की और एक लड़का और था जिसका नाम किम बॉम था। तेह्यू कहता है, दायुल और मैं प्रेजेंटेशन का काम करेंगे। पर दायुल कहता है, नहीं, मैं सोरा के साथ रिसर्च करूंगा। तो वो लड़की कहती है, मेरा नाम सोरा नहीं है, मेरा नाम सोयंग है। तेह्यू उसके सिर पर हाथ फेराते हुए कहता है, अब मान भी लो कि तुम्हारे नाम को याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तेह्यू कहता है, दायुल मैंने सुना है कि 2 हफ्ते में तुम्हारा मैच भी है, तो हम प्रेजेंटेशन वाला काम करेंगे क्योंकि रिसर्च में तो बहुत समय लग जाएगा। सोयंग कहती है, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? तो तेह्यू कहता है, बहुत अच्छे से तो नहीं, पर मैं उसे अच्छे से जानना चाहता हूँ। सोयंग कहती है, अगर तुम्हें अपनी मैच के लिए प्रैक्टिस भी करना है तो तुम्हें प्रेजेंटेशन वाला काम करना चाहिए, मैं और ये बम मिलकर रिसर्च शुरू कर देते हैं। तेह्यू कहता है, ठीक है, फिर डिसाइड हो चुका है, मैं और दायुल मिलकर प्रेजेंटेशन पर काम करेंगे। दायुल को ये सुनकर फिर से गुस्सा आता है कि उसे तेह्यू के साथ काम करना पड़ेगा। वो अचानक से खड़ा हो जाता है तो किम बॉम और सोयंग उससे पूछते हैं, क्या हुआ, अचानक खड़े क्यों हो गए, वॉशरूम जाना है क्या? दायुल वहां से जाने लगता है। सोयंग कहती है, अपना समय लो, हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दायुल वॉशरूम में आकर सोचने लगता है, मुझे इस ग्रुप असाइनमेंट को छोड़ना ही होगा। जब वो बाहर आता है तो तेह्यू ऑलरेडी बाहर खड़ा था और उसका इंतजार कर रहा था। वो दायुल से कहता है, मुझे अपना फ़ोन नंबर दो जिससे हम प्रेजेंटेशन के बारे में बातें कर सकें। दायुल सीधा आगे बढ़ जाता है तो तेह्यू कहता है, क्या तुम अभी भी नाराज़ हो? दायुल उसे कहता है, तुम दोनों को पता भी नहीं है कि तुम दोनों की वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ा है। तुमने मुझे सबके सामने झूठ बना दिया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट में काम करूं। तेह्यू कहता है, अगर तुम्हें अपने मार्क्स की चिंता नहीं तो कम से कम किम सोयंग और येबम के मार्क्स के बारे में तो सोचो, वो भी इस असाइनमेंट में हमारे साथ हैं, हमारी वजह से उनके मार्क्स भी कम हो जाएंगे। ये सोचकर दायुल ना चाहते हुए भी उसे अपना फ़ोन नंबर दे देता है। तेह्यू कहता है, फाइनली मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल ही गया। अब वो उसे कॉल कर देता है। दायुल को कॉल रिसीव होता है। वो फ़ोन उठाकर कह भी देता है, कौन बोल रहा है? तेह्यू कहता है, ये मैं हूँ स्टूपिड, तुम इतना भी गैस नहीं कर पाए, तुम सच में पागल हो, ऐसा कहकर वो उस पर हंसने लगता है। दायुल वहां से चला जाता है। तेह्यू उसका फोन नंबर एक क्यूट बनी फेस के साथ सेव कर लेता है। तभी उसका फ्रेंड वॉनक्यूम वहां आकर कहता है, कौन है जिसे देखकर तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्यों ना हम स्कूल के बाद इंटरनेट कैफे चले? तेह्यू उसे कहता है, नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे कुछ काम है, कुछ फनी काम। तो उसका फ्रेंड कहता है, मुझे भी इस फनी में शामिल कर लो ना। तेह्यू कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरी क्लास में भी नहीं हो। दायुल घर जाता है और उसके सामने से तेह्यू का चेहरा जा ही नहीं रहा था। तभी उसे तेह्यू की तरफ से मैसेज रिसीव होता है। तेह्यू का नंबर उसने सोशियोपाथ नाम से सेव किया था। तेह्यू से मैसेज करता है, क्या तुम कल फ्री हो? मुझे कुछ रिसर्च मटेरियल्स मिले हैं, तुम उन्हें रीड कर लेना। पर दायुल उसे मैसेज करता है, बिल्कुल नहीं। तभी तेह्यू उसे अपना फोटोग्राफ उसके स्पिन फेदर के साथ क्लिक करते हुए सेंड करता है और उससे कहता है, इसके लिए भी नहीं, अब तो तुम्हें आना पड़ेगा, मैं तुम्हें अपना एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। तेह्यू के भेजे गए एड्रेस पर दायुल तुरंत पहुँच जाता है। तेह्यू कहता है, तुम तो बहुत जल्दी आ गए, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? दायुल तुरंत उसके पूरे घर में उस चीज़ को ढूंढने लगता है और उससे कहता है, कहाँ है मेरा स्पिन फैदर? तेह्यू कहता है, तुमने कहा था ना कि वो बहुत कीमती है, तो मैं उसे ऐसे ही थोड़े ना रख दूंगा। दायुल कहता है, तुम्हारे दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है, तुम मेरे नज़दीक आने की क्यों कोशिश कर रहे हो? तेह्यू कहता है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया ना कि तुम बहुत क्यूट हो। दायुल कहता है, पर मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, जल्दी से मेरा स्पिन फैदर वापस दो। तेह्यू कहता है, मुझसे इतनी भी नफरत मत करो, मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली है, तुम्हें बस उसे रीड करना है। दायुल कहता है, क्या तुम्हें ये सब कुछ फनी लग रहा है, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? तेह्यू कहता है, हाँ, तुम उस एडोरेबल लड़की की तरह हो जिसे मैं पुश करना चाहता हूँ और उसे अपने टॉय हैमर से मारना चाहता हूँ। दायुल उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मेरे स्पिन फादर्स मुझे वापस दो। ऐसा कहकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अचानक से दोनों का पैर फिसलता है और इस बार तेह्यू सीधा दायुल के ऊपर आकर गिर जाता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 1 आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।